जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर द्वारा एडीआर सेंटर सभाकक्ष में पैरालीगल वॉलंटियर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ऑनलाइन माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश के पैरालीगल वॉलंटियर्स जुड़े। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय मंडलेश्वर सुनील कुमार जैन की उपस्थिति में कार्यक्रम किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रधान जिला न्यायाधीश सुनील कुमार जैन द्वारा बताया कि संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बताई गई है, जिसके तहत राज्य द्वारा लोक कल्याण के कार्य किए जाते हैं। उसी के तहत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 बनाया गया है, जिसके तहत विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से पैरालीगल वॉलंटियर्स आम जनता को कानून की जानकारी देने के साथ साथ कानूनी सहायता और सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ दिलाने का कार्य करता है। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। के पास जो अपनी तरफ से अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं और हमारे पास किसी का आवेदन आता है या कोर्ट में किसी का आवेदन आता है, तो उनकी पैरवी के लिए हम इनको नियुक्त करेंगे, उनको हम लेटर देते हैं और फिर ये उस प्रकरण में पैरवी करते हैं। निशा मैडम जो है, निशा कौशल मैडम, ये हमारे यहाँ पर मजिस्ट्रेट कोर्ट जितने भी है वहाँ पर पैरवी करते हैं और वही उसी योजना में निःशुल्क विधिक सहायता योजना में, जैसे मान लो 379 का प्रकरण है, छोटी मोटी मारपीट का प्रकरण है, 323 का, 324 का प्रकरण है, 325 का प्रकरण है, ये प्रकरण चलते हैं हमारे मजिस्ट्रेट कोर्ट में, ठीक है ना। तो इन प्रकरणों में शासन की तरफ से पैरवी कौन करता है? अभियोजन अधिकारी जाएंगे, क्योंकि ये लोग हम ध्यान नहीं रखेंगे या विशेष प्रावधान नहीं बनाएंगे तो ये अपने अधिकार को ना तो जानते हैं ना समझते हैं, इसलिए हमें विशेष प्रावधान बनाना जरूरी है। आर्टिकल 39 में भी राज्य पर दायित्व सौंपा गया है कि भाई वो ये सुनिश्चित करे कि देश का कोई भी व्यक्ति न्याय को ऐसा प्रयास करे कि कोई व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं होना चाहिए। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 बनाया गया और उसी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।